चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मिलती रहे आपको लेटेस्ट रेसिपी अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, चैनल दस्तखान की रौनक में आज हम बनाएंगे आलू कीमा का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टेस्टी पकौड़ा। इसको बनाने के लिए मैंने कीमा लिया है 300 ग्राम। इसको मैंने धोकर छन्ने में अच्छे से पानी इसका अलग मैंने कर लिया है, निचोड़ लिया। 4 मीडियम साइज़ का आलू को लेकर मैंने उबाल कर मैश कर लिया है। 4 आलू ये हमारे मीडियम साइज़ के। इसी के साथ मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है। इसका हम बैटर तैयार करेंगे। हाफ प्याज को लेके मैंने चॉप कट कर लिया है। 1 छोटी अदरक को लेके मैंने बड़े साइज़ में कट किया है। 5 चम्मच हमारी हरी मिर्च है, इनका हम दरदरा पेस्ट तैयार करेंगे। पहले हम बेसन को बैटर तैयार कर लेंगे। 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे। 2 चुटकी हल्दी पाउडर डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे बेसन में और थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल देंगे, 1/2 टीस्पून। मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे। बहुत पतला में बैटर नहीं तैयार करना है, इसको हम साइड कर देंगे। अब हम मिक्सर ग्राइंडर का जार लेंगे, इसमें हम हरा मिर्च और धनिया का दरदरा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, आलू में हम कीमा डालेंगे, प्याज डालेंगे कटी हुई और हरी मिर्च अदरक डालेंगे। सूखा ही पेस्ट हमें इसका तैयार करना है बिना पानी डाले। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, बस यही मसाला इसमें जाएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें कलर के लिए थोड़ी हल्दी पाउडर ऐड कर सकते हैं, इससे पकौड़ों का कलर अच्छा आएगा। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके पकौड़े तैयार कर लेंगे। इसको हम शेप देंगे गोल शेप, इस तरह से थोड़ा। इसको हमें हथेली पे प्रेस करके थोड़ा चपटा कर लेंगे। आप चाहें तो गोली बनाइए, ये इस तरह से मैंने इसको बनाया है। जैसे हम कबाब तैयार करते हैं कीमे की, उसी तरह पकौड़ा भी हम इसी तरह से बना लेंगे। गोल इसको हम इस तरह से थोड़ा हथेली पे दबाते हुए गोल शेप हम देंगे। ये दूसरा पीस भी हमारा तैयार है। बाकी सभी पीस हमें इसी तरह से बना लेने हैं। ऑयल मैंने रखा है सरसों का गर्म होने के लिए, ये गर्म हो गया है। अब हम इसमें पकौड़े डालेंगे। बिल्कुल फुल फ्लेम पे हमें, तेज गरम तेल में हमें इसको फ्राई करना होगा, तभी ये अच्छे से कुरकुरा होगा। फुल फ्लेम पे हमें इसी तरह से इसको अच्छे से गोल्डन कलर फ्राई कर लेना है। पलट देंगे इसे हम। ये देखिए, ये दोनों तरफ से फ्राई हो गया अच्छे से। कितना अच्छा गोल्डन कलर आया हमारे पकौड़े का। इसको अब हम निकालेंगे प्लेट में। ये देखिए, सभी पीसेस को मैंने फ्राई कर लिया है। कितनी जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी होता है ये खाने में। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी इसको बनाना और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनकर ये रेडी होता है। सभी को बहुत पसंद आता है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।